बैठ जाइए। जी एन एम पैरामेडिकल नीट अदर एग्जाम की यहाँ पर तैयारी भी करवाई जाती है, जिसमें से स्मार्ट क्लासेस की सुविधा है, इन लोगों को थर्मामीटर बताना है, तो उस सैटरडे को हम लोग ले लेते होता है, वो जो भी रहेगा लैब से संबंधित वो हम करवा देंगे। करवाते हैं कि आखिर कौन ब्लड ग्रुप है, देखिएगा पढ़ाई जाती है बायोलॉजी एन एम जी एन एम पैरामेडिकल नीट अदर एग्जाम की यहाँ भी तैयारी भी करवाई जाती है, जिसमें से स्मार्ट क्लासेस की सुविधा है, लैब और प्रैक्टिकल की सुविधा है, और टॉपिक वाइज टॉपिक टेस्ट की सुविधा है। तो यहाँ पर आज इस तिरंगा बायोलॉजी क्लासेस में लैब के माध्यम से ब्लड टेस्ट की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से यहाँ पर ब्लड जांच हो रहा है। तो आइए यहाँ पर बच्चों से जानकारी लेते हैं कि आखिर ब्लड की सुविधा और ब्लड जांच कैसे होता है। आइए अंदर। बढ़िया, तो यहाँ जानकारी लेंगे कि आखिर ब्लड टेस्ट कैसे होता है। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर ब्लड टेस्ट किया जा रहा है, कैसे ब्लड टेस्ट होता है? हो ब्लड टेस्ट ए बी और ओ, अच्छा, जिसमें ओ प्लस या माइनस जो निगेटिव और पॉजिटिव बताता है, अच्छा, और ए और बी जो होता है से आपको रिजल्ट बताता है। अच्छा, कैसे टेस्ट होगा बताइएगा, एक दो टेस्ट कीजिए। टेस्ट हो रहा है सर, ए इसमें ए एंटीजन डाला हुआ है, इसमें बी एंटीजन डाला है, इसमें ओ एंटीजन डाला हुआ है। अच्छा, इसके बाद इसको घुमाया जाता है। अच्छा, घुमाने के बाद रिजल्ट को देखा जाता है क्या है। अच्छा, तो अभी कर रहे हैं। इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप चेक हो रहा है? वो तो रिजल्ट देखने के बाद, अभी तो प्रोसेस में है। इसको कितना देर में हो जाएगा? इसको कम से कम 2 मिनट। 2 मिनट लगेगा? हाँ, 2 मिनट लगेगा। देख रहे हैं पर। यहाँ पर दिखाइएगा, यहाँ पर ब्लड टेस्ट हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ब्लड टेस्ट हो रहा है। ए पॉजिटिव इसका रिजल्ट कैसे? ए और डी, देखिए ए और डी, ए एंटीजन देखिए, इसमें ए डाला हुआ है, इसमें बी डाला हुआ है, इसमें ओ डाला हुआ है। अच्छा, ए हुआ से आपको रिजल्ट हुआ। अच्छा, और ओ जो हुआ से प्लस या माइनस जो निगेटिव और पॉजिटिव बताता है। अच्छा, ए और डी, तो ए और डी जिसको प्लस या माइनस जो निगेटिव और पॉजिटिव बताता है। अच्छा, ए और डी, तो ए और डी जिसको फटता है उसको ए पॉजिटिव होता है। अच्छा, जिसमें थ्योरी में भी इसमें सर बता चुके हैं। अच्छा, समझ गए। और यहाँ पर जो है गर्ल्स चेक करवाते हैं कि आखिर कौन ब्लड ग्रुप है, देखिएगा कैसे चेक करते हो। ये नीडल को आपके हाथ में भोकर खून निकालेंगे पहले। अच्छा, कितना निकालेंगे, आधा लीटर या फिर 1 लीटर? उतना नहीं, बस 1-2 बूंद का जरूरत है। अच्छा, देखते हैं जरा। हो गया, इस पे दीजिए। देख सकते हैं मेरा खून निकाल ली है। बहुत खून कम है आपका। एक नहीं, 3-3 जगह खून निकाल रही है। यहाँ पर केमिकल के माध्यम से चेक हो रहा है। बैठो, ब्लड ग्रुप का क्या है? ए है, ए ग्रुप का है। अच्छा, ए ग्रुप का ही हो गया केमिकल। ये बी ग्रुप का है। अच्छा, बी है। ये कौन सा ग्रुप? ओ पॉजिटिव है, ये ओ का है, ओ ग्रुप का। सकते हैं किस प्रकार जो है से ब्लड ग्रुप जांच हो रहा है। ये क्या चीज कर रहे हो? इसको मिला रहे हैं, अगर कोई फट जाएगा उसके बाद बताते हैं। बी फट गया। अच्छा,
वो फट रहा है। आपका खून ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव नहीं, बी पॉजिटिव हो रहे नहीं फटा, बी पॉजिटिव है। कैसे तुम पहचाने? कह कि ए बी और ओ फट गया। अरे देखिए नहीं मतलब ये फट गया, देखिए यार इसका ये ए नहीं फटा है। अच्छा, इसके चलते आपका खून बी पॉजिटिव है। मेरा बी पॉजिटिव खून वैसे है, चलो ठीक बताए। हाँ सर, इसका मकसद क्या है बच्चों से ब्लड जांच करवाने का? 11 क्लास के सिलेबस में, बायोलॉजी के सिलेबस में ब्लड पढ़ना है, और ब्लड जब पढ़ना है तो इन लोगों को पीरियडिकली रूप से तो बताना पड़ेगा, इसलिए लैब की व्यवस्था हर एक सैटरडे के पास मेरे पास है, और जो भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनको तो लैब हो ही जाएगा, और उसी का ही रिपोर्ट बन रहा है। रिपोर्ट ही जो है ना उसी का है जिसका जिसका ब्लड जाँच हुआ है। हाँ, जाँच खुद से करते हैं बच्चे लोग, एंटीजन अपना खुद गिरा करके, और खुद से थोड़ा सा ब्लड निकालने में इन लोगों का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए जो है से थोड़ा सा मदद हम कर देते हैं, और कुछ नहीं है। कितने बच्चे का यहाँ पर ब्लड जांच हुआ है? 11 क्लास में लगभग 70 प्लस है। हाँ, 11 क्लास में 70 प्लस स्टूडेंट का हो चुका है आज, और 12 क्लास में भी बचा हुआ है, और अदर सुबह वाला बैच में भी लगभग 20 प्लस जाँच हो चुका आज। तो सैटरडे का सैटरडे वही चलता है, और जैसे कि ब्लड प्रेशर भी पढ़ाना है, इन लोगों को थर्मामीटर बताना है, तो उस सैटरडे को हम लोग ले लेते हैं। अगले शनिवार को क्या रहेगा? अगले शनिवार को शायद ब्लड प्रेशर बता दिया जाएगा, शुगर के बारे में बता दिया जाएगा। उसके लिए हम ऐसे भी शुगर के मशीन के द्वारा हम उन लोगों को टेक्निकल मशीन है वो मंगा करके, कुछ डॉक्टर के सहारा भी ले करके, और बच्चे लोगों को बताने का काम करेंगे। सिलेबस का जो भी रहेगा लैब से संबंधित वो हम करवा देंगे, 11 हो या 12 हो, सारा कुछ लैब के माध्यम से व्यवस्था। बिल्कुल, आप देख लीजिए हमारे पास तो आर्टिफिशियल बना हुआ सब नरकंकाली सभी है, और बच्चे लोगों से पूछ लीजिए कैसे जाँच किया, ये पॉजिटिव कैसा है, बी पॉजिटिव कैसा है, उसको खुद बता देंगे। आप आ रहे होंगे तो खुद बता दे होंगे सारा कुछ जानकारी लिए। हाँ, थैंक यू सो मच आने के लिए आपको। और बाकी तिरंगा बायोलॉजी क्लासेस के बारे में आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।